दोस्तों, जब हम किसी भी नॉर्मल वाटर को स्टोर करके रखते हैं तो कुछ दिनों बाद ख़राब होने लगता है, लेकिन इसके बिल्कुल ही उलट गंगा नदी के पानी को स्टोर करके रखने पर भी वो कई महीनों तक ख़राब नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों, हर एक नदी की अपनी एक जैविक संरचना होती है, जिसके कारण उसमें कुछ खास तरीके के पदार्थ घुले होते हैं, जो कि कुछ तो बैक्टीरिया को पनपने देते हैं और कुछ बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते। दरअसल दोस्तों, बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो बैक्टीरिया जो पानी को सड़ाते हैं और एक वो बैक्टीरिया जो पानी को सड़ने से बचाते हैं। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि गंगा नदी की जैविक संरचना बाकी नदियों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये खेत खलियानों, नदी, पहाड़ों आदि से होकर के गुजर के आती है, जिसके कारण इसमें कुछ खास तरीके के पदार्थ मिक्स हो जाते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ पानी को सड़ने से बचाने वाले बैक्टीरियाज को उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, इन्हीं बैक्टीरियाज के कारण गंगा जी का पानी सड़ता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।